आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। मेहर की समस्त आशा कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठी। कहा ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री सहित स्थानीय विधायक SDM को अपनी मांगों से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कोई पहल नहीं की, जिस कारण अब हमें मजबूरन हड़ताल में बैठना पड़ रहा है। आशा कार्यकर्ताओं की मांग है कि सरकार उन्हें भी नियमित कर वेतन वृद्धि करे। आशा कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार लोगों की सेवा कर रही हैं, लेकिन सरकार का ध्यान उनकी ओर नहीं गया, जिस कारण रुष्ट होकर अब आंदोलन की राह पकड़ चुकी है। आज मेहर सिविल हॉस्पिटल में जो अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, किन मांगों को लेकर हड़ताल चल रही है? और जैसे हम लोग को वेतन जो मिलती है वो 2,000 रुपये मिल रही है, और हम लोग दिन रात यहाँ हॉस्पिटल में काम करते हैं, हम लोग को पैसा भी नहीं मिलता है। दो घर घर जाते हैं, सब चीज़ करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग की जो मंथली है पेमेंट कर दी जाए, हम लोग को मतलब गवर्नमेंट किया जाए। तो आपने इसके पहले भी कई आला अधिकारियों को सूचित किया है ज्ञापन दे के माध्यम से, तो उनका क्या हुआ? अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ? नहीं, अभी कोई निराकरण नहीं हुआ। हम लोग ने विज्ञापन पूरे हाथ दे दिया है और हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये हड़ताल कब तक रखेंगे जारी? जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक तो मन बनाए हुए हैं कि हम लोग करेंगे। अगर हमारी सभी बहनें जो सुन रही हैं, हमारा सब कोई साथ दें, क्योंकि इसी में हम लोग की भलाई है और सभी लोग आए और सब लोग हमारा साथ दें, तो हो सकता है कि कुछ निराकार निकल आए।